आज हम लेके आए हैं स्वर्ण जल वायरलेस वाटर लेवल कंट्रोलर विद 4 लेवल इंडिकेटर विद लॉन्ग रेंज अप टू 5 किलोमीटर और 50 फ्लोर बिल्डिंग। इसकी वायरलेस रेंज 5 किलोमीटर तक है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 50 फ्लोर है। इसकी वायरलेस रेंज बड़ी ही स्टेबल है, इसमें कोई भी इशू नहीं आता। इसमें यूज़र को किसी भी वाईफाई इंटरनेट या अन्य किसी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी मंथली एनुअल सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। मतलब लगाओ और भूल जाओ। तो ये हमारा वायरलेस कंट्रोलर मींस ये डिवाइस वाटर टैंक एम्प्टी होने पर मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी करेगा और फुल होने पर मोटर को ऑफ भी करेगा, और साथ ही आपके टैंक की 4 लेवल भी आपको इंडिकेट करेगा। तो चलिए बात करते हैं इसके मोड्स की। ये डिवाइस हमारा 3 मोड में काम कर सकता है, फुल्ली ऑटोमेटिक, ऑटो कट और मैनुअल। फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में ये डिवाइस वाटर टैंक एम्प्टी होने पर मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा और वाटर टैंक फुल होने पर मोटर ऑफ भी करेगा। और ऑटो कट मोड में ये डिवाइस वाटर टैंक एम्प्टी होने पर मोटर ऑन नहीं करेगा और वाटर टैंक फुल होने पर मोटर ऑफ कर देगा। मैनुअल मोड में ना ही ये मोटर को ऑन करेगा और ना ही ये मोटर को ऑफ करेगा, ये सिर्फ वाटर लेवल इंडिकेटर का काम करेगा। टैंक के ओवरफ्लो एंड एम्प्टी होने पर ये आपको 45 सेकेंड तक अलार्म देगा। 45 सेकंड से पहले आप रेड पुश बटन को शॉर्ट पुश करके, यानी 2 सेकंड से कम टाइम के लिए पुश करके आप इसे म्यूट भी कर सकते हैं, और आप इसी पुश बटन को लॉन्ग प्रेस करके किसी भी मोड में अपनी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिवाइस के कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ हमें एक कंट्रोलर दिया गया है और इसको एक रिसीवर यूनिट भी बोलते हैं, और यहाँ हमें दिया गया है साथ के साथ एक ट्रांसमीटर। यहाँ हमें एक सुपर ग्लू और एक मैनुअल भी दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी सुपर ग्लू और ये है हमारा मैनुअल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ट्रांसमीटर यूनिट से। यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर की ब्लिंकिंग LED दिखाई देगी, जिसका मतलब यह है कि यह लाइव और वर्किंग कंडीशन में है। यूज़र को इसे ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह मैन्युफैक्चरर एंड से ही ऑन करके भेजा गया है। इसकी क्वालिटी हम देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छी है और ये IP rated 100% वाटरप्रूफ भी है। इट्स मीन अगर ये पानी में गिर भी जाता है तो तब भी ख़राब नहीं होगा। इस यूनिट को यूज़र अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टैंक के अंदर या बाहर रबर ब्लॉक पर सुपर ग्लू अप्लाई करके भी लगा सकते हैं, या आप स्क्रू होल्स का भी यूज़ करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको वाटर टैंक के अंदर इंस्टॉल करके एक्सटर्नल थ्रेड मंकी एक्सेट्रा से भी बचा सकते हैं, और ये वाटरप्रूफ होने के कारण कस्टमर को कोई इशू भी नहीं आएगा। अगर आपके पास स्टील या कोई मेटल का टैंक है तो आप इसे बेटर कनेक्टिविटी के लिए टैंक के बाहर भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे अंदर भी चिपका सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। इसमें हमें 3 AA बैटरी दी गई हैं जो इसे 3 साल का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करती हैं। 3 ईयर्स के बाद आप इन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं इन स्क्रूज़ को ओपन करके। इसमें हमें कोई एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हमें यहाँ पे 4 ब्रास सेंसर दिए गए हैं जो कि स्टील से काफ़ी बेटर है। ये रस्ट प्रूफ है, ये वाटर को कॉन्टेमिनेट भी नहीं करते हैं। यहाँ पर 4 वायर्स दी गई हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। इन 4 वायर्स को आप कट करके कोई भी नॉर्मल एक्स्ट्रा वायर अटैच करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इजीली 200 मीटर और इसके बियॉन्ड एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आप इसको रैप करके शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये रेड वायर सेंसर है जो वाटर टैंक में बिल्कुल सबसे नीचे बेस में जाएगा। ये येलो वायर सेंसर है जो रेड वायर सेंसर से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं वाटर लेवल येलो वायर सेंसर से नीचे जाते ही रिसीवर में रेड सिग्नल शो करेगा और लॉन्ग बीप के साथ अलार्म देगा जो कि हमारे MPT टैंक को दर्शाता है। यहाँ पर यह फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में मोटर को ऑन कर देगा। येलो वायर को पानी टच होते ही ये हमें येलो कलर शो करेगा जो कि हमारे टैंक के 50% लेवल को दर्शाता है, और अगर वाटर ब्लू सेंसर को टच करता है तो यह हमें ब्लू सिग्नल देगा जो कि हमारे टैंक के 75% लेवल को दर्शाता है। जब ये हमारे ग्रीन सेंसर को टच करेगा तब हमारा कंट्रोलर अपनी मोटर को ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ कर देगा। इस डिवाइस की खास बात यह है कि इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है और कोई भी व्यक्ति इसे बड़ी आसानी से खुद ही इंस्टॉल कर सकता है, बिकॉज इसमें जस्ट मोटर का प्लग इंसर्ट करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। हमारा कंट्रोलर 2.5 HP तक की मोटर को सपोर्ट करता है। तो चलिए अब इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। तो देखिए, मैं एक बल्ब ले लेता हूँ जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारी मोटर को, तो मैं इसे मोटर मान लेता हूँ, और हमारे वाटर टैंक को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक वाटर बाउल ले लेता हूँ। तो चलिए अब हम अपने डेमो को शुरू करते हैं। अब हम इस कंट्रोलर को ऑन कर लेते हैं। यह कंट्रोलर रिसीवर के साथ पेयर होने में मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम ले सकता है। या तो आप 10 मिनट वेट कर सकते हैं, या इससे जल्दी पेयर करने के लिए आप इसके वाटर लेवल को चेंज कर दीजिए। वाटर लेवल चेंज करने के लिए मैंने इस रेड वायर सेंसर को वाटर टैंक में डाल दिया है, और साथ ही साथ मैंने येलो वायर सेंसर भी इसमें डाल दिया है।
अब हमें इनके पेड होने तक 10 सेकंड वेट करना है। पेड अप होने का सिग्नल यह है कि यहाँ ये वॉलेट कलर की लाइट की जगह आपको आपके टैंक के लेवल के अकॉर्डिंग कलर शो करेगा, जिसका मतलब यह है कि यह ट्रांसमीटर के साथ पेड हो गया है और ये आपको आपके वाटर टैंक के लेवल के अकॉर्डिंग कलर शो करना शुरू कर देगा। अब हम इसमें ये चारों सेंसर इस वाटर टैंक में लगा देते हैं। रेड सबसे नीचे जाएगा, येलो रेड से ऊपर रहेगा हमारे वाटर टैंक में सेंसर, और जो ब्लू सेंसर है हमारा ये येलो से ऊपर आएगा एंड ग्रीन सेंसर टॉप में आएगा। जैसा हमने पहले बताया था कि आप इन सभी सेंसर फोर सेंसर की वायर को कट करके एक्स्ट्रा वायर अटैच करके अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इजीली 100 मीटर या 200 मीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं और इनको रैप करके भी आप छोटा कर सकते हैं। अब हम कंट्रोलर को फुली ऑटो मोड में कर देते हैं। अब हम वाटर टैंक से पानी निकाल लेते हैं। देखिए, जैसे ही वाटर टैंक लेवल येलो से नीचे गया, इसने अलार्म देकर मोटर को ऑन कर दिया है। अब पानी भरना शुरू हो गया है। जैसे जैसे मैं टैंक के लेवल चेंज करता रहूँगा, ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपडेट करेगा। जैसे कि अब मैंने येलो वायर अंदर डाल दिया तो अब ये अपने आप को 50% फिल दिखा रहा है। अब मैंने ब्लू वायर अंदर डाल दी है तो अब ये 75% फिल दिखा रहा है। अब मैं ग्रीन वायर अंदर डाल देता हूँ। अब हमारा कंट्रोलर अलार्म देकर अपनी मोटर को बंद कर देगा। मोटर अपने आप बंद हो गई है। ये बड़ा ही स्टेबल और लाजवाब प्रोडक्ट है। इसमें अन्य दो और मोड हैं, एक है हमारा ऑटो कट और एक मिलेगा आपको मैनुअल मोड। ऑटो कट में ये वाटर टैंक के फुल होने पर आपकी मोटर को टर्न ऑफ कर देगा, लेकिन ये वाटर टैंक के खाली होने पर मोटर को ऑन नहीं करेगा। एंड मैनुअल मोड में ना ही ये मोटर ऑन करेगा और ना ही ये मोटर को ऑफ करेगा, ये सिर्फ वाटर लेवल इंडिकेटर का काम करेगा एंड वाटर टैंक के ओवरफ्लो होने पर एंड एम्प्टी होने पर आपको अलार्म देगा। और इसी के साथ आप पुश बटन को लॉन्ग प्रेस करके किसी भी मोड में अपनी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप इस डिवाइस को ऐसे इंस्टॉल एंड यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें इसकी इंस्टॉलेशन एंड कम्प्लीट वर्किंग की डिटेल्स दी गई हैं। अगर आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की गाइडेंस और सहायता की आपको आवश्यकता है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद।